मध्य प्रदेश के देपालपुर में श्री कृष्ण जन्म के 11वें दिन माता यशोदा ने जलवा पूजन किया था और इसी दिन को मंडोल ग्यारस के रूप में मनाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण झिलमिल रोशनी से श्रृंगारित डोल में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। नगर में निकले ढोल जगह जगह महिलाओं ने डोल की पूजा अर्चना कर उनकी गोद भराई की रस्म भी करती है। वह अन्न तथा फल दान भी अर्पित कर अपने व्रत खोले। वहीं श्री कृष्ण व्यायामशाला के अखाड़े तथा स्वर्गीय श्री ब्रजलाल उस्ताद के अखाड़ों के पीछे बनाई गई झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। डोल निकलने के पहले अखाड़ों में पूर्व पहलवान तथा उस्तादों व खलीफाओं का साफा बांधकर सम्मान किया। वहीं अखाड़ों में अपनी पहलवानी का हुनर दिखाने वाले पहलवानों को मेवा मिश्री दी गई। वहीं डोल ग्यारस पर मुस्लिम समाज के हैदरी व हुसैनी अखाड़े भी शामिल होते हैं। सर्वप्रथम 8 बजे श्री कृष्ण व्यायामशाला का अखाड़ा सबसे पहले धाकड़ सेरी स्थित राम मंदिर पहुँचता है, जहाँ पूरे विधि विधान से राम मंदिर के दर्शन कर डोल निकलने की शुरुआत होती है। वहीं स्वर्गीय ब्रजलाल उस्ताद का अखाड़ा चमन चौराहा से शुरुआत करता है और देवी मंदिर पर करीब 10 बजे पहुँचता है और यहाँ पर आकर फिर दोनों अखाड़ों और झांकियों का कारवा आगे पीछे होकर बड़ चौक होते हुए विजय स्तंभ चौक भाई मोहल्ला होते हुए अल सुबह 5 बजे तक मंगलेश्वर मंदिर पहुँचता है, जहाँ पूरे विधि विधान से पूजा की गई। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।